आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्विगी से फूड ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। चाहे आपको बर्गर ऑर्डर करना हो, पिज्जा ऑर्डर करना हो, या किसी भी प्रकार का फूड, सादा थाली ऑर्डर करनी हो, आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, आप अपने घर पे कैसे मंगवा सकते हैं, और आप अच्छा खासा कैशबैक कैसे कमा सकते हैं ऑर्डर करने के साथ, 150-200 रुपए तक का कैशबैक कैसे कमा सकते हैं, और आप यदि कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें लाइव बताऊंगा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कोई वीडियो और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी वीडियो से फूड ऑर्डर करना सीख जाएंगे स्विगी से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्विगी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको ओपन करना है ऐप को। अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद में आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ये उस ओटीपी को ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। यदि ये नहीं करता है तो आप अपने हाथ से ओटीपी वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके बाद में आप अपनी लोकेशन के लिए अलाउ कर दें, या फिर आप इंटर लोकेशन मैनुअली पे क्लिक करके अपनी मैनुअल लोकेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद में आप अलाउ करते जाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे अलग अलग डिशेस दिखेंगी, जैसे पिज्जास, मोमोस, रोल्स, पास्ता, बर्गर, चाइनीज, समोसा, जो भी आप यहाँ पे ऑर्डर करना चाहते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी। अब या तो आप जिस चीज़ को मंगाना चाहते हैं पर्टिकुलरली उस पर क्लिक कर दें, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर फूड का नाम लिख के जिसको आप ऑर्डर करना चाहते हैं, या फिर आप अपने नियर में जो भी आपकी लोकेशन है, आप किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना चाहते हैं, उस रेस्टोरेंट का आपको नाम पता है तो आप रेस्टोरेंट का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च कर लें, जैसे कि हम यहाँ पे पिज्जा मंगाना चाहते हैं तो पिज्जा पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये ऐसे करके फाइंड करेगा, जो भी रेस्टोरेंट पिज्जा डिलीवर करते होंगे आपके लोकेशन पे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि एक ये रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये रेस्टोरेंट है, ये डोमिनोज पिज्जा है, ये पिज्जा हट है यहाँ पे। तो आपको अलग अलग यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट पिज्जा सर्व करते होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जिस भी रेस्टोरेंट से जो भी पिज्जा मंगाना हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जैसे कि हम फर्स्ट वाले से मंगाना चाहते हैं तो इसकी हम यहाँ पे पहले रेटिंग चेक करेंगे, जैसे कि 4.2 स्टार की रेटिंग मिली हुई है इसको, और यहाँ पे हमारी लोकेशन पे आने में इससे 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ से दूरी देख सकते हैं आप इसकी, जैसे कि 2.0 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, और यहाँ पे फ्री डिलीवरी रहेगी। तो हम इसको यहाँ पे इस पर क्लिक करके यही पिज्जा मंगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने पिज्जास के टाइप आ जाएंगे, जैसे कि ये ऑनियन पिज्जा है, ये टोमेटोस पिज्जा है, ये यहाँ पे स्वीट कॉर्न पिज्जा है। तो इस रेस्टोरेंट पे जो भी पिज्जा, जिस भी टाइप के पिज्जा अवेलेबल होंगे आपके सामने आ जाएंगे। सबकी प्राइस अलग अलग रहेगी, सबकी रेटिंग अलग अलग रहेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप जो भी पिज्जा मंगाना चाहते हो उसको आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दें। तो हम ये वाला पिज्जा मंगाना चाहते हैं, ये पिज्जा, तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब आप इसके कितने पिज्जा मंगाना चाहते हैं, कितने पीसेस मंगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दो मंगा सकते हैं इस टाइप से प्लस पे क्लिक करके, या तीन मंगा सकते हैं। जैसे कि हम एक ही मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस कर करके एक फिर रहने देती है। इसके बाद में ये और भी आप यहाँ पे दूसरा टाइप का पिज्जा मंगाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में ये चीज़ें आपको कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे अपसेल करता है, जैसे कि पनीर टिक्का बटर, आप यहाँ पे यदि ये भी मंगाना चाहते हैं इसके साथ में तो आप ये भी प्लस कर दें। इस टाइप से आप जो भी चीज़ें मंगाना चाहते हो आप यहाँ पे ऐड करते जाएं, राइट। और इसके बाद में आप जो भी चीज़ें ऐड कर लेंगे फिर आप यहाँ पे आपको आइटम दिखेंगे कितने ऐड किए हैं आपने। इसके बाद में आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिलता है, जैसे कि हमको 20 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट अभी मिल गया, और ज़्यादा डिस्काउंट भी कैसे मिलता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप ऐड मोर आइटम पे क्लिक करके, प्लस पे क्लिक करके और भी आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसमें, यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे आप ऐड कुकिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्लस पे आप कुकिंग रिक्वेस्ट दे सकते हैं कुछ, जैसे कि आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है, आपको कम नमक खाना पसंद है, ज़्यादा नमक, जो भी आप यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ये भी और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ये अपसेल करता है, आप इनमें से कोई चीज़ मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, राइट। तो आप इनको भी यदि मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई कूपन्स का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको काफ़ी सारे यहाँ पे कैशबैक ऑफर्स मिल जाएंगे। ये बेसिकली पेमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं ये ऑफ़र, जैसे कि ये ऑफ़र है इसमें आपको मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा 150 रुपये का,
आपको यहाँ पे ये ऑर्डर करना पड़ेगा एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से, राइट। तो आप यहाँ पे ये ऑफर देख सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं गेट अप टू, तो इसके केस में आपको अमेजोन पे बैलेंस से यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा 199 से ऊपर का, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग ऑफर है, आप यहाँ पे देख लें जो भी आपको ऑफर लगता है कि आप यहाँ पे जिस चीज से पेमेंट कर सकते हैं आपके पास वो चीज अवेलेबल हो, तो आप यहाँ पे इस टाइप से अप्लाई पे क्लिक कर दें। और जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको ये आ जाएगा पेमेंट करने के लिए, राइट। आप इस चीज से पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में आप यहाँ पे कोई टिप देना चाहते हैं डिलीवरी बॉय को तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, और आप यहाँ पे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय आपके घर पे आए तो बेल ना बजाए, अवॉइड रिंगिंग बेल कर सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। आप यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, अवॉइड कॉलिंग कर सकते हैं यदि वो आपको कॉल ना करे। और इसके बाद में आपको यहाँ पे आपका बिल दिखेगा कि कितने रुपए का आपको पेमेंट करना है, और उसके बाद में आप यहाँ पे ऐड और सिलेक्ट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सिलेक्ट एड्रेस पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप एक एड्रेस यहाँ पे कंफर्म करते हैं, कंफर्म लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने एड्रेस में फ्लैट नंबर डाल दें, अपार्टमेंट, आप यहाँ पे डायरेक्शन सब कुछ, मतलब आपकी जो भी आपका एड्रेस हो वो आप यहाँ पे फुल एड्रेस डाल दें। और यहाँ पे ये एड्रेस आपके होम का है या वर्क का है या फिर आपने यहाँ पे फ्रेंड एंड फैमिली के एड्रेस पे मंगाया है तो वो आप सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद में आप यहाँ पे कर लें क्लिक। अभी यहाँ पे आपके सामने पेमेंट मेथड्स आ जाएंगी, आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, राइट। आप यहाँ पे जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे यदि आप किसी ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो आपने वहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया वो ऑफर्स में जाके बताया था कि आप जिस भी पेमेंट मेथड से करें आप अप्लाई कर दें तो आपको उसी से पेमेंट करना है। फिर यदि आप किसी कैशबैक का लाभ नहीं लेना चाहते तो आप किसी भी यहाँ पे पेमेंट मेथड से कर सकते हैं, राइट। आपको यहाँ पे ऐड न्यू एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब जो भी चीज़ से आप यहाँ पे कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको यहाँ पे पेमेंट करने के। लेकिन आपको यहाँ पे यदि किसी भी पेमेंट मेथड से नहीं करना है, आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है, तो उसका भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है पे ऑन डिलीवरी में। यदि आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो आपको जब सामान आपके घर पे आ जाए उसके बाद में आपको पेमेंट करना है, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ये पेमेंट मेथड। जैसे ही आपके यहाँ पे अवेलेबल होगी तो आ जाएगी, और आप यहाँ पे पेमेंट कर ले जिस भी चीज़ से आप करना चाहते हैं। और आपका यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा उसके बाद में आप यहाँ पे रीऑर्डर्स में देख सकते हैं, आप जो भी ऑर्डर किया होगा वो यहाँ पे लिस्ट में दिखेगा आपको, आप उस पर क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। कुछ टाइम के अंदर आपके आपके साथ रेस्टोरेंट का नंबर और आपके डिलीवरी बॉय का नंबर भी शेयर कर दिया जाता है, आप उसे कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्डर्स में आके। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं स्विगी से ऑर्डर। यदि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।